बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एलाने नबूवत के 11वें साल मदीना शरीफ हिजरत से 2 साल पहले 27 रजबुल मुरज्जब की रात पीर शरीफ की रात को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मेराज का मौजज़ा अता फ़रमाया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में खुशखबरी लेकर आए मेराज शरीफ की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुकद्दस सीना को खोलकर इसको आबे जमजम शरीफ से धोया गया और इसमें हिकमत और ईमान को भर दिया गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को सैर के लिए बुराक पेश की गई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, मस्जिद अक्सा पहुँचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने तमाम नबियों और रसूलों की इमामत करवाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब किताब कुरान मुजीद फुरकान हमीद में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम की मेराज का जिक्र फरमाया। कुरान मुजीद फुरकान हमीद के 15वें पारे की पहली सूरत सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, हर ऐब से पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को सैर कराई, लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इस इमामत के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ सैर का आगाज़ फरमाया। पहले आसमान पर हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, आपकी ज़ियारत की, आपसे मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने ज़ियारत की आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके बाद लामका की बुलंदियों पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार अता फ़रमाया और सूरतुल नजम शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा ज़ागल बसरु व मा तगा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम की आँख ना ही फिरी ना हद से बढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि आपने आपका दिल ना फिरा ना हद से बढ़ा, बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने माथे की आँखों से, दिल की आँखों से नहीं, माथे की आँखों से जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने कुर्ब की नेमत से नवाजा। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, फिर वो जलवा करीब हुआ और करीब हुआ और दो कमानों के दरमियान बल्कि इससे भी कम फासला रह गया। अल्लाह तबारक व तआला अपने लुत्फ़ो करम के साथ करीब हुआ और इस कुर्ब में ज़्यादती फरमाई। इस रात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा अता किया गया। मैं प्रोफेसर हसन अपने तमाम स्टूडेंट से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा, आज की बहुत बाबरकत रात है। आज की रात आखिरी नबी इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार अता फ़रमाया और नमाज का तोहफ़ा अता फ़रमाया। मुझे और आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला हमें आज की रात की बरकतें नसीब फ़रमाए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।